अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कैसर और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नई टेक्नोलॉजी की वीडियो लेके ऑनलाइन मास्टर यूट्यूब चैनल के तवसल से, जो होलोग्राम प्रोजेक्टर जिसका नेम है। और ये आप अगर कोई भी वीडियो देखते हैं, थ्री डिमेंशन 3D वीडियो देखते हैं अपने सेल फोन से, तो ये जो मैं बनाना सिखाऊंगा आपको, ये आप उस पे अपने वीडियो पे रखेंगे, सेल फोन के ऊपर रखेंगे, तो वो एक आपको 3D डिमेंशन में ऐसा व्यू देगा जो एक रियल टाइम जैसे आप किसी चीज को मोबाइल से बाहर देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए इसका नाम है होलोग्राम प्रोजेक्टर, होलोग्राम टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। और ये आजकल आपको यूट्यूब में काफी ज्यादा वीडियोस मिलेंगी इसको बनाने के मतलब ही उन्होंने सिखाया होगा, मगर दोस्तों मैं इसमें काफी ज्यादा खपा हूँ, काफी ज्यादा इसमें मैंने सर्च की है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं सीडीज वगैरह से भी ये बन जाता है, ये मैं सीडीज वगैरह से इसको काफी यानी कि 2 दिन से खप रहा हूँ, मगर ये जो रिलायबल वे नहीं है, तो मैं एक आज आपके लिए रिलायबल वे से इसको और फ्यू मिनट में बनाने के तरीके आपको मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, देखिए ये बड़ा इजी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए, ये होलोग्राम प्रोजेक्टर बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट, आपको कौन कौन चीजें रिक्वायर है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक ये पेपर है, इसको आप किसी भी शॉप से, एक बुक शॉप से आप बाय कर सकते हैं। इस पेपर को लैमिनेशन पेपर इसको बोलते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। ये चाहिए आपको, और एक आपको दोस्तों सीजर चाहिए, और एक आपको ये स्केल चाहिए, और ये एक आपको टेप चाहिए, और एक आपको दोस्तों प्रकार चाहिए। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बनाना कहता हूँ। सबसे पहले आपने पता क्या करना है, अपना सेल फोन जो है उसकी आपने विड्थ चेक करनी है, आपके सेल फोन जिस पे आपने इसको यूज करना है, लगाना है, उसकी विड्थ कितनी है। और मेरे सेल की जो विड्थ है दोस्तों, वो उसकी स्क्रीन की विड्थ जो है वो ये है 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपने ये प्रकार लेनी है और उसको उतना ही खोलना है जितनी आपके सेल की स्क्रीन की विड्थ है। लेट्स सपोज आप मेरे सेल की जो, जिसके लिए मैं बनाने जा रहा हूँ, उसकी विड्थ जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसको दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस प्रकार को खोल लेता हूँ, 0 to 7। तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों, सबसे पहले आपने प्रकार को कितना ओपन करना है, ये प्रकार है, इसको कितना ओपन करना है। सबसे पहले आपने अपने सेल की मेजरमेंट करनी है कि वो कितना सेंटीमीटर विड्थ है उसकी। लेट्स सपोज ये मेरा सेल है, इसकी मैं अगर विड्थ करता हूँ, तो ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ, तो ये है 6.5 सेंटीमीटर है। तो मैं लेट्स सपोज जिस सेल के लिए ये मैं होलोग्राम प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, वो जो सेल में वीडियो बना रहा हूँ, उस सेल में मैं यूज करनी है, तो वो मेरा सेल जो है वो है 7 सेंटीमीटर विड्थ, उसके स्क्रीन की विड्थ जो है 7 सेंटीमीटर है।
मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस प्रकार को मैं 7 सेंटीमीटर तक ओपन करूंगा। 7 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद मैं एक रेडियस सेंटर में रख के इसको इस पेपर के एक 7 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल जो मैं अभी आपको ड्रा करके दिखाया इसको मैं ड्रा कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों आपने पता क्या करना है, इसमें किसी एक जगह आपने निशान लगाना है। लेट्स सपोज मैं यहां पे निशान लगाया। अब हमने ये करना है कि इसी निशान से हमने इक्वल विड्थ के 6 निशान लगाने हैं, इसी सर्कल पे 6 निशान लगाने हैं। इसका जो सेंटर है ना, सर्कल सेंटर, उस पे 1 सेंटीमीटर प्रकार को खोलना है। 1 सेंटीमीटर खोलने के बाद, 1 सेंटीमीटर प्रकार को खोलने के बाद इसको ये वाले 6 जो डाले हैं सर्कल बनाए हमने, इसको 6 से हमें डिवाइड करना। करंटली हमारे पास 6 साइडें हैं तो हमें चाहिए 4 साइडें। इसके लिए हम 2 साइडों को स्किप करेंगे। करना है ये हमें नहीं चाहिए, इसको हमने काट देना, ये हमें नहीं चाहिए, ये सीजर से हमने निकाल देनी साइडें। तो ये 4 जो पार्ट है इनको भी हम ड्रा करके हाईलाइट कर लेते हैं, इनको हमने फोल्ड करना है बाद में। हमने किया ये है तब से अब तक सबसे पहले जितनी विड्थ हमारे सेल की स्क्रीन की है जिसपे हमने ये प्रोजेक्टर चलाना है उतनी हमने प्रकार खोली 7 सेंटीमीटर। वो हमने रेडियस लेके एक सर्कल किया, उस सर्कल की बाउंड्री को हमने 6 जगह उसको 6 लगा के पॉइंट लगा के उसकी बाउंड्री पे 6 जगह उसको डिवाइड किया। 6 में से हमें चाहिए अब 4, 2 को हम कर रहे हैं स्किप, इसको हम कैंची से काट देंगे। ये वाले जो 4 है इनको हम फोल्ड करके अब बनाएंगे। अब हमने क्या करना है दोस्तों, इसको उठाना है। याद रखें ये भी हमने निकालना है। ये देखिए दोस्तों, ये 2 हमें नहीं चाहिए साइडें, ये हमने काट के अलहदा कर दी। अब हमें ये 4 जो है हमारे पास साइडें, ये हमारा यानी मेन चीज है। तो हमने ये क्या करना है कि ये 1 सेंटीमीटर का जो हमने रेडियस बनाया ना, इसको अब हमने कैंची से खाली करना है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो 1 सेंटीमीटर का हमने रेडियस इसका सेंटर में एक दायरा लगाया था उसको हमने निकाल दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सीजर से इस पूरे को काटेंगे। अभी हमारे पास 4 जो है ये साइडें बची हैं। अब हमने इसको क्या करना है कि हर ये वाला जो निशान है इससे हमने इसको फोल्ड करना है। ऐसे ही नेक्स्ट को हमने करना है। ये देखें, उससे भी मैं इसको बनाया हुआ है और ये भी प्रॉपरली वर्क करता है, मगर ये वाला जो अभी मैं आपको बता रहा हूं ये वाला ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा 3D व्यू दिखाता है। ये ऐसे का बनेगा, ये नीचे हो रहा है, इसको आप मोबाइल के ऊपर रखेंगे तो इसके मोबाइल के अंदर जो वीडियो होगी ये 3D अंदर आपको व्यू देगी। तो चलिए इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमने चारों साइडों को फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद हमने ये जो कट की हुई साइड है हम टेप लगाएंगे और इसको भी आपस में बराबर कर रख के जोड़ देंगे। ये ट्रांसपेरेंट टेप आपने यूज करनी है।
ये हमारा प्रोजेक्टर जो है ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमने करना ये है कि इसके लिए एक हमें स्टैंड की जरूरत है, स्टैंड हमें चाहिए जो इसको ग्रिप दे वायर के ऊपर रखने के लिए। तो मैं ये एक ऑलरेडी गत्ते का एक्स शेप में स्टैंड तैयार किया हुआ है, और इसका जो आपने ये वाला डायमीटर लेना है ना, सेंटर लेना है, वो आपने एक, ये देखिए 1 सेंटीमीटर इसका ये वाला जो है डायमीटर, ये वाला 1 सेंटीमीटर आपने डायमीटर लेना है। उसके ऊपर आप इसको ऐसे करके किसी भी चीज के साथ, आप समाधि के साथ, एल्फी के साथ आप इसको चस्पा कर सकते हैं। ये देखिए, ये एल्फी के साथ मैंने ये जिंस एल्फी यूज की है, इसके साथ इसको चस्पा कर दिया है। ये इसका स्टैंड के साथ ये प्रॉपरली खड़ा हो गया। ये नहीं, आपका होलोग्राम प्रोजेक्टर जो है ये फुल तैयार है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और अगर बन सके तो मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, और अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।